नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण का पार्ट 4 समझने वाले हैं। इससे पहले हमने 1, 2 और 3 पार्ट भी बना दिए हैं। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण के कुछ इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कुछ इस प्रकार के समीकरण दिए जाएंगे जिनका मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आपको ऐसे सवालों में समस्या आती है तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान हो सकता है। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं किसी भी क्लास में पढ़ते हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, साथ में आपकी जो 10वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा है, वहां पर भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। तो चलिए, यहां पर हमारा पहला सवाल है कि यदि x अपॉन y बराबर 1/3 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सवाल को ध्यान पूर्वक देखना है और उसको हल करते जाना है। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया गया है, देखिए यहां पर हमें क्या दिया गया है कि भैया यहां पर x बटे y बराबर कितना है, 1/3 है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं x बटे y बराबर 1/3। अब यदि हम इनकी तुलना करें तो x के बराबर क्या आएगा, 1 आएगा और y के बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यही होगा ना। तो यहां पर हमें मिल गया है कि भैया x बराबर 1 और y बराबर 3। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को उठाकर हमें इसमें रख देना है और हमारा जो आंसर है उसको निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण को लिखते हैं, क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y का मान हम रखेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर बटे में यहां पर x का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस यहां पर y का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो यहां पर 3 का स्क्वायर, अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 × 9 आ जाएगा। और बटे में देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे और हल कर लेते हैं, 9 × 1 कितना हो जाएगा, 10, तो ये हो गया 10। अब यहां पर माइनस 9 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे। इसको आप 2 से काट दीजिए तो देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 4 = 8 और यहां पर 2 × 5 = 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 5/4। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। एक बार और समझिए कि देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, x बटे y बराबर दिया है 1/3, तो हमने तुलना कर दी कि भैया x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। तो x और y की वैल्यू मिल गई, हमने उठा के यहां पर रख दिया, x की जगह पर 1 रख दिया, y की जगह पर 3 रख दिया। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस के 10/8। इसको सॉल्व किया तो माइनस के 5/4 जो है वो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए हमारा जो, तो देखिए ये रहा आपका दूसरा सवाल। इस सवाल में हमें दिया गया है कि भैया b अपॉन a बराबर कितना है, 0.25 हो तो 2a माइनस b और 2a प्लस b प्लस 2 अपॉन a का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगर आपने पिछले वाले सवाल को अच्छे से समझा है ना, तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। तो देखिए क्या होगा, यहां पर हमें दिया गया है b अपॉन a बराबर 0.25, ये हमें दिया गया है। तो यदि हम इसकी पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो देखिए पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, यानी कि आ जाएगा हमारा 25/100। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना, b अपॉन a बराबर आ गया 25/100। अब इसको काट दो, तो हम इसको काटेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, काटेंगे तो देखिए 25 × 25, 25 × 100। ठीक है, तो हमारा आ गया यहां पर b अपॉन a बराबर 1/4। ठीक है, अब हमें यहां से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, क्योंकि b के सामने 1 है और a के सामने 4 है, तो a बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को हमें इसमें रख देना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण को लिखते हैं, 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b, इसके बाद में प्लस 2 अपॉन a। ठीक है,
बी की वैल्यू रखिए सबसे पहले, तो यहां पर ए की रखते हैं सबसे पहले। देखिए टू, ए की वैल्यू क्या है फोर है, तो यहां पर हमने रख दिया फोर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है वन है, तो ये हो गया वन, ठीक है। फिर यहां पर टू है, ए की वैल्यू कितनी है फोर, और प्लस यहां पर बी की वैल्यू कितनी है वन, तो यहां पर हमने रख दिया वन, ठीक है। फिर यहां पर क्या है प्लस टू अपॉन ए की वैल्यू कितनी है फोर है, तो ये आ जाएगा हमारा फोर। अब इसको हमें हल कर लेना है, तो देखिए यहां पर चार दुनी कितना हो जाएगा आठ माइनस वन, और नीचे कितना हो जाएगा चार दुनी आठ प्लस वन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा आठ प्लस वन यानी कि आठ प्लस एक, ठीक है। फिर इसके बाद में है प्लस, इसको काट देते हैं दो एकम दो, दो दुनी चार, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा एक बटे दो, ठीक। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां पर देखिए आठ में से एक जाएगा कितने बचेंगे, आठ में से एक जाएगा सात बचेंगे, और बटे में आठ को और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नौ, और यहां पर प्लस एक बटे दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या है सात बटे नौ प्लस एक बटे दो, यही है। अब यदि हम इसको जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने के लिए क्या करना है, सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो सात दुनी कितना हो जाएगा चौदह, बीच में प्लस है, नौ एकम नौ हो जाएगा, ठीक है, और बटे में नौ दुनी अठारह, तो ये हो गया अठारह। चौदह और नौ कितने हो जाएंगे, तो चौदह के बाद में हम जोड़ते हैं पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस, ठीक है। तो ये हो गया तेईस और बटे में हो गया हमारा अठारह, तो 23 बटे 18 जो है ये हमारा आंसर निकल करके आ गया है। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली यहां पर b अपॉन a था और इसकी वैल्यू दी गई थी 0.25, तो हमने इसकी दशमलव हटाकर इसको बटे में बदल लिया, यहां पर आ गया हमारा 25 बटे 100, तो 25 से हमने काट दिया, 1 बटे 4 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है, b की वैल्यू आ गई हमारी 1 और a की वैल्यू आ गई 4। उन वैल्यूज को हमने यहां पर रखा, इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 7 बटे 9 प्लस 1 बटे 2, यहां पर हमने इसको हल किया तो 23 बटे 18 आ गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है आपके सामने, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 35 अपॉन 2x माइनस 7, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ऊपर हमें संख्या दी गई है ये वाली, हमें इसके क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं साइड में, तो क्या है देखिए 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस का 35, तो ये क्या है, ये एक वर्ग समीकरण है, क्या है एक वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण हल करने की जो तरीका है वो क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ठीक है। तो 6 और 35 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 35 गुणा 6, तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 तीन 18, 19 20 21 कितना आ गया 210 आ गया, ठीक है। अब हमें 210 जो है 210 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए 31 आए और गुणा करने पर कितना आए 210 आ जाए, ठीक है। तो क्या हम 21 और 10 का गुणा करेंगे तो हमारा 210 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 21 धाम के कितने होते हैं 210 होते हैं, और 21 और 10 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 31 हो जाता है, मतलब हमें संख्याएं मिल गई हैं कि भैया 21 और 10, ठीक है। चलिए अब हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा, यहां पर क्या है देखिए 6x स्क्वायर माइनस इस 31 को हम क्या लिख सकते हैं 21 प्लस 10 लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया 21 प्लस 10 भाई, 21 और 10 को जोड़ेंगे तो 31 के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है यहां पर x, फिर यहां पर है हमारा कितना प्लस का 35, तो ये हमने लिख दिया प्लस का 35, क्लियर है यहां तक। चलो अब बढ़ते हैं नीचे, इसके बाद में यहां पर क्या है देखिए 2x माइनस 7, ठीक है। अब इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं साफ कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करने के लिए देखिए यहां पर क्या है 6x स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखिए इस x का मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 21 और x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 21x, फिर माइनस और माइनस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 10x, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 10x और प्लस का कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर दो दो के जोड़े बनाना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बटे में क्या है वो लिख देते हैं, तो इसके बटे में है 2x माइनस 7, ठीक है। अब हमें दो दो के जोड़े बनाना है, यहां पर जोड़ा बन गया और यहां पर जोड़ा बन गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहां से हम x तो कॉमन ले ही लेंगे, तो सबसे पहले x तो कॉमन आ ही गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए
छह को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे छह है, छह को हम लिख सकते हैं तीन गुणा दो, ठीक है, तीन गुणा दो हो जाएगा। और इक्कीस को हम क्या लिख सकते हैं, सात गुणा तीन, तो सात या इक्कीस हो जाएगा और तीन गुणा दो, मतलब तीन जो है वो दोनों में है, ठीक है, तीन जो है छह के साथ भी है और इक्कीस के साथ भी है, तो हमने तीन भी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो तीन एक्स हमने कॉमन लिया। तो अब देखिए यहां से एक्स तो बाहर आ ही गया, अब तीन से छह में भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा, तीन दुनी छह दो बार, ठीक है, फिर माइनस यहां पर इक्कीस में हम भाग लगाएंगे तीन से कितनी बार जाएगा, तीन सात इक्कीस, तो यहां पर आ जाएगा तीन सात इक्कीस, और यहां पर एक्स स्क्वायर था तो यहां पर हमारा क्या आएगा, 2x आएगा, क्योंकि x स्क्वायर था तो 1x बाहर गया है, 1x साथ में ही रहेगा, माइनस 3 से भाग लगाएंगे 21 में, 3 7 21 और x तो बाहर चला ही गया। फिर इसके बाद में आता है हमारा माइनस, अब यहां से हम क्या बाहर लेंगे, तो यहां पर देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, ठीक है, और 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7, ठीक है, लिख सकते हैं 5 7 कितना होता है 35 और 5 दुनी कितना होता है 10, ठीक है, तो यहां से 10 के साथ भी क्या है, दो पांच है, और पांच के साथ यहां पर 35 के साथ भी क्या है, पांच और सात है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हम पांच कॉमन ले लेंगे, तो ये हमने ले लिया पांच कॉमन ले लिया। अब देखो यहां पर हम पांच से 10 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, दो, और x है तो x बचेगा, 2x हो गया, फिर माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पांच से भाग लगाइए 35 में कितनी बार जाएगा, 5 7 35, ठीक है, तो ये 7 आ गया। अब देखिए हमारी दो संख्याएं सेम है, ये और यहां पर ये, ठीक है, और इसके बटे में क्या चल रहा है, 2x-7, ठीक है, यही चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इसको साफ कर देते हैं। अब देखो यहां पर ये जो पूरा दिख रहा है, इस पूरे में से, मतलब कि देखिए इस पूरे में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 3x के साथ भी ये है और -5 के साथ भी ये है, तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, ये इस पूरे में से हमारा आ जाएगा 2x-7, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों में है। अब यहां से कॉमन आया तो यहां पर क्या बचेगा, 3x, तो ये हमने लिख दिया 3x, ठीक है, फिर यहां पर क्या है, -5, तो यहां पर आ जाएगा हमारा -5, ठीक है। देखिए यहां पर हमने किया क्या है भाई, 2x-7 को कॉमन ले लिया, तो अब यहां पर इसके साथ क्या था, 3x, तो 3x बचा, और यहां पर 2x-7 तो कॉमन चला गया, तो क्या बचा, -5, तो ये -5 आ गया, और बटे में इसके क्या है, 2x-7, तो ये आ जाएगा हमारा 2x-7, ठीक है। तो अब देखिए 2x-7 से 2x-7 कट गया, हमारा आंसर क्या आया है, 3x-5, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ गया है, ठीक है। इसको एक बार और समझिए थोड़ा सा, देखिए यहां पर क्या है, 6x²-31x+35/2x-7, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 6 का गुणा किया 35 में, तो हमारा कितना आया, 210 आया। अब हमें 210 के ऐसे टुकड़े करना थे कि जिनका गुणा करने पर तो 210 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 31 आए, ठीक है, तो हमने क्या किए, 21 गुणा 10, ठीक है, 21 गुणा 10 करेंगे तो 210 आ जाएगा, और 21 प्लस 10 कर देंगे तो 31 भी हो जाएगा, तो हमें दो संख्याएं मिल गई, 21 और 10, तो हमने क्या कर दिया, 6x²-31 को हमने लिख दिया 21 प्लस 10 और x और प्लस का 35, ठीक है, और बटे में क्या है, 2x-7, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद में देखिए हमने क्या कर दिया, दो दो के जोड़े बना लिए, ठीक है। अब यहां से हमने 3x कॉमन लिया, तो देखिए यहां पर 3 से 6 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 दुनी 6, और 3 से 21 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 7 21, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर यहां पर हमने माइनस का 5 कॉमन लिया, अब 5 से हम 10 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, और x है तो x आएगा, और 5 से हम 35 में भाग लगाएंगे 7 बार जाएगा, 5 7 35। अब इस पूरे में से हमने क्या कॉमन लिया, 2x-7 कॉमन लिया, तो यहां पर क्या था, 3x, तो ये 3x बचा। अब यहां पर ये चला गया, तो यहां पर क्या बचा, -5, तो -5 आ गया। अब बटे में क्या था, 2x-7, तो 2x-7 से 2x-7 कट गया, और यहां पर जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, 3x-5, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है आपके सामने, देखिए x²+xy-2xz-2yz, ठीक है, तो यहां पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह के जो सवाल हैं ये बस देखने के लिए बड़े होते हैं, इनको हल करना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए क्या है भैया, लिख लेते हैं x square
प्लस एक्स वाई माइनस का टू एक्स जेड फिर माइनस का टू वाई जेड। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लेना है। ठीक है, जोड़े बन गए, अब क्या करेंगे, तो देखिए x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो भैया x तो आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अब यहां पर दो बार x था तो एक x तो अंदर रहेगा, लेकिन यहां से x चला गया तो यहां पर क्या बचेगा, y बचेगा, तो हो गया प्लस का y माइनस। यहां पर देखिए 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, और माइनस दोनों में है, तो माइनस का 2 हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, अब यहां पर z यहां पर भी है, z यहां पर भी है, तो z को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां से z और 2 चला गया तो क्या बचा, यहां पर बचा x। ठीक है, x बचा, फिर इसके बाद में देखिए माइनस भी कॉमन चला गया तो यहां पर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, यहां पर से देखिए जेड कॉमन चला गया और टू कॉमन चला गया, क्या बचा, वाई, तो ये आ गया हमारा वाई। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर, अब इस पूरे में से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इस पूरे में देखिए x प्लस y दोनों में है, तो हम x प्लस y को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा, x बचा, तो ये हो गया हमारा x। ठीक है, यहां से भी ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 2z बचा, और यही जो है आया है, ये क्या है, यही हमारा आंसर है। तो देखिए ये तो कितना आसान था, इतना बड़ा सवाल, और देखिए यहां पर कितनी आसानी से हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल मैंने लिया है, यहां पर क्या है, 5xq - 3x² - 1 और 3x² + 1 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं भैया, कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए जब भी आपको इस तरह के समीकरण को जोड़ने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहां पर आप पहली वाली संख्या लिखेंगे 5xq - 3x² - 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर क्या है 3x², तो हमें जो संख्या है 3x² इसे हमें एक्स स्क्वायर वाली संख्या के साथ में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है 3x², तो हम यहां पर लिख देंगे, जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे 3x², यहां पर प्लस का 1 है तो ये हम लगा देंगे प्लस का 1। ठीक, चलिए अब हम इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर देखिए माइनस एक से प्लस एक जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये भी माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास में बचेगा का क्या, बचेगा 5xq बचेगा, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जोड़ना कितना आसान है, हमने दो स्टेप में ही इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, और ये नंबर जब आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है ये सवाल, तो आपका बहुत ज्यादा समय बचाता है अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है हमारे सामने, देखिए AQ प्लस BQ को A + B से भाग दीजिए, तो कैसे देंगे भैया, भाग देने का मतलब है कि हमें क्या करना है, जैसे कि आपको दिया जाए कि 10 में आप भाग दीजिए 5 से, तो आप कैसे देंगे, या तो आप लिखेंगे 10/5 और काट देंगे 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, या फिर आप लिखेंगे इसको 5/10 फिर काटेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, दो बार में कट जाएगा, आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 10/5, इसी प्रकार से हम यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर है हमारा AQ प्लस BQ को हमें A + B से भाग देना है, तो कैसे देंगे, देखिए ये हो गया हमारा AQ प्लस BQ। ठीक है, बटे में क्या है हमारा A + B, बटे में क्यों लिखा, क्योंकि हम इससे भाग दे रहे हैं तो बटे में ही लिखना होगा। चलिए अब इसमें हमें एक फार्मूला लगाना होगा AQ प्लस BQ का। ठीक है, तो AQ, अब इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है, AQ प्लस BQ बराबर होता है A + B, ठीक है, A² माइनस AB प्लस B², ये होता है हमारा AQ प्लस BQ का फॉर्मूला। तो अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा A + B। ठीक है, इसी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं A² माइनस AB प्लस B², और बटे में क्या है हमारा, बटे में है A + B। ठीक है, तो यहां पर देखिए A + B से A + B कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास में क्या बचा, A² माइनस AB प्लस B², और यही जो है क्या है, हमारा आंसर निकल करके आ गया है। तो इसको एक बार और समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो देखिए सवाल हमें दिया गया है AQ + BQ को
ए प्लस बी से भाग दीजिए, ठीक है। तो हमें इससे भाग देना है, तो यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाया, क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो हमने इस फार्मूले को उठाकर यहां पर रख दिया, ठीक है। तो नीचे क्या था, ए प्लस बी था, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कुछ इस तरह का, इसमें क्या है, हमें दो वर्ग समीकरण दिए गए हैं, ऊपर एक वर्ग समीकरण है, नीचे एक वर्ग समीकरण है, तो हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, ठीक है, मतलब हमें इनकी गुणनखंड करना है, जो गुणनखंड कट जाएंगे उनको काट देंगे, जो बचेंगे उनको हम वहां पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले हम इस वाले ऊपर वाले को हल कर लेते हैं, तो क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस का 12, ठीक है। अब यहां पर कोई संख्या होती तो इसका गुणा हम इसमें कर लेते, कोई संख्या नहीं है तो गुणा करने की जरूरत भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 12 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 7 आए, और गुणा करने पर 12 आए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक तो हो जाएगा 4 × 3, ठीक है, तो 4 तिया कितने होते हैं 12, और 4 प्लस 3 को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा काम बन गया, 4 और 3, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस, इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3, और यहां पर क्या है, प्लस का 12, तो ये प्लस का 12 हमने क्या कर दिया, लिख दिया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस है 4, और यहां पर क्या है, साथ में x भी था, तो 4 और x, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4x, ठीक है। अब माइनस यहां पर 3 है और x हो जाएगा, तो माइनस का 3x और प्लस का हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। अब दो दो के जोड़े बना लो, ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां पर देखिए एक्स दोनों में है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक्स दो बार था तो एक एक्स बचेगा, माइनस यहां से एक्स चला गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहां से देखिए एक्स तो दोनों में है नहीं, 3 से 3 हम कॉमन लेंगे तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, x बचेगा, 3 से 12 में भाग लगाइए कितनी बार जाएगा, 3 × 4 = 12, देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर आएगा माइनस, और 3 से 12 में भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब हमें देखिए यहां पर x माइनस 4 है, x माइनस 4 यहां पर भी है, तो x माइनस 4 को यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4, तो ये आ गया। इसके बाद में यहां पर क्या बचा, देखिए ये तो कॉमन आ गया, क्या बचा, x बचा, तो कोष्टक के अंदर x बचा। अब इसको भी बाहर ले लिया तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 3 बचा। तो हमारा जो है यहां पर पहले वाले समीकरण के गुणनखंड क्या आ गए हैं, x माइनस 4 और x प्लस 3, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले समीकरण को हल करते हैं। दूसरा वाला समीकरण है हमारा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। अब हमें क्या करना है, 20 के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 9 आए, और गुणा करने पर 20 आए, ठीक है। तो एक तो देखिए 4 × 5 यदि हम करते हैं तो 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब इसी से काम बन गया। तो x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 5 + 4, और x है तो x लिख दिया, और प्लस का 20, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो यहां पर है x स्क्वायर माइनस 5 और x का गुणा कर देंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, इस माइनस का गुणा यहां पर करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, इसके बाद में यहां पर क्या है, प्लस का 20 है, तो ये हो गया 20। अब दो दो के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, क्लियर है यहां तक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहां पर x दो बार है तो एक बार x बचेगा, माइनस x यहां से चला गया, यहां पर बचेगा 5, ठीक है। अब यहां से हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा, और 4 से 20 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, माइनस के यहां पर माइनस भी कॉमन लिया है तो प्लस भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, 4 × 5 = 20। अब इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x माइनस 5, ठीक है। अब x माइनस 5 हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, x बचा, ठीक है। यहां से भी हमने इसको कॉमन लिया है तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 4 बचा। तो हमारे इस समीकरण के गुणनखंड क्या आ गए हैं, x माइनस 5 और x माइनस 4, ठीक है। चलिए तो अब इनको हम क्या करते हैं, यहां पर इनको जमा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम छोटा करके साइड में कर देते हैं, ठीक। चलिए अब देखो पहला वाला जो समीकरण है यानी कि ये वाला, इसके गुणनखंड क्या आए हैं, x माइनस 4 और x प्लस x माइनस 3। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऊपर वाले समीकरण की जगह पर
x माइनस फोर, ठीक है, और क्या है x माइनस थ्री, तो ये हो गया x माइनस थ्री बटे नीचे वाले समीकरण को हल करने पर क्या आया है x माइनस फाइव और x माइनस फोर, तो यहां पर आया हमारा x माइनस फाइव और x माइनस फोर आया है, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस फोर से x माइनस फोर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब क्या बचा है हमारे पास में x माइनस थ्री और बटे में बचा है हमारे पास में x माइनस फाइव, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, सिंपल से दो समीकरणों को हमने क्या किया सॉल्व किया, उनके हमने गुणनखंड निकाले और जो गुणनखंड कट गए उनको काट दिया, बाकी गुणनखंड हमने वैसे के वैसे ही लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा देखिए 9xq प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7, इसमें हमें भाग लगाना है 3x माइनस 1 से, ठीक है। तो भाग लगा देते हैं भैया, भाग लगाने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम भाग लिख रहे हैं, मान लीजिए हमें 25 में 5 से भाग लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे 5 और यहां पर लिख देंगे 25 और इस प्रकार से भाग लगाएंगे, तो इसी विधि से हम इसको भी क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं भैया किससे भाग लगाना है 3x माइनस 1 से, ठीक है। भाग का सवाल क्या है 9xq प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, अब इसमें हमें लगाना है भाग, ठीक है। हमें देखिए जब भी हमें इस तरह का भाग आ जाए तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है हमें इस वाली संख्या को फोकस करना है और इस वाली संख्या को फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हमें अलग ही लिख लेना है, जैसे कि यहां पर क्या है 9xq, ठीक है, और इसके बटे में लिख देना है 3x, क्लियर, इतना तो आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है देखिए, इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहां पर एक्स क्यू है तो हम इसको x गुणा x इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर है। और इसके बटे में देखिए यहां पर क्या है 3 इंटू x, यही है। अब देखो हमें क्या करना है, जो जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखिए 3x 3 से 3 कट गया, 1x से 1x कट गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है यहां पर, बचा हमारा 3 और x कितनी बार है 2 बार, मतलब x स्क्वायर यही बचा है, तो इसको हमें क्या कर देना है यहां पर लिख देना है, ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। हमें क्या करना है इसके टुकड़े करके लिख देना है, इसके भी टुकड़े करके लिख देना है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जितना भी बचा है उसको यहां पर लिख देना है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हमें क्या करना है, इस 3x का हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है। यहां पर x है और x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा x क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा माइनस 1 भी है, तो माइनस 1 का गुणा इसमें होगा तो कितना होगा माइनस, ठीक है, माइनस 1 है तो माइनस तो आएगा ही, माइनस 1 का इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या करना है इसको घटा देना है, घटाएंगे मतलब चिन्ह को बदल देना है, यहां पर ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारा 9xq से 9xq कट जाएगा, यहां पर दोनों क्या है प्लस है भाई, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, और यहां पर x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है इसके आगे की संख्या को उतारना है, आगे की संख्या क्या है माइनस का 5x, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 5x, ठीक, क्लियर है यहां तक। अब देखिए अब हमें फिर से ये वाली संख्या देखना है और ये वाली संख्या देखना है, तो इसको भी साइड में लिख लेते हैं, क्या है 6x स्क्वायर बटे यहां पर हम लिख लेते हैं 3x, ठीक है। अब फिर से हम टुकड़े करके देखेंगे 3 गुणा 2, 3 दुनी हो जाएगा 6, एक्स गुणा एक्स, 2 बार x है तो x गुणा x कर दिया, बटे में कितना है 3 गुणा x, जो कट रहा है उसको काट दो, देखिए 3 से 3 कट गया, 1x से 1x कट गया, क्या बचा 2 और x बचा, मतलब क्या बचा हमारा 2x बचा, ठीक है। तो यहां पर जो 2x बचा है हमें यहां पर लिख देना है प्लस 2x, ठीक है, अगर यहां पर माइनस होता तो हम माइनस लगाते, यहां पर प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, अब इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से हमें इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है, तो 3 दुनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है, x और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर,
ठीक है, फिर माइनस है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस, और माइनस वन का गुणा होगा 2x में, तो कितना आ जाएगा 2x ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से इनको घटाना है, तो यहां पर हम घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बचा क्या यहां पर, यहां पर देखिए माइनस का 5x है और यहां पर प्लस का 2x है, तो माइनस का 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3x बचेगा, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, इसके बाद क्या है, प्लस का 7 है तो यहां पर हम उतार लेंगे प्लस का 7, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस संख्या पर और इस संख्या पर फोकस करना है, तो माइनस का 3x, ठीक है, क्लियर है, माइनस का 3x बटे यहां पर ये वाला 3x, ठीक है। तो अब हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले माइनस, फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर आएगा 3 गुणा एक्स, यही आएगा, और बटे में इसका करेंगे तो 3 गुणा एक्स, तो देखिए 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, तो यहां पर क्या बचा, माइनस 1 बचा, ठीक है भाई, 1 अगर हम लिख लेते तो 1 ही होता, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस का 1, क्योंकि यहां पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस 1 मिल रहा है, तो हमने माइनस का 1 लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो इस माइनस के 3x माइनस 1 का गुणा करेंगे इस 1 में, तो क्या आएगा, देखिए यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा माइनस का 3x, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया हमारा प्लस, और 1 का इंटू 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, क्लियर। चलिए तो अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए इसको घटाना है, तो देखिए ये यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो देखिए 3x से 3x कट जाएगा और यहां पर 7 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, यहां पर बचेंगे हमारे 6 बचेंगे, ठीक है, तो ये आ गया 6, ठीक। तो जो 6 आया है ये क्या है, हमारा शेष फल है, ठीक है, क्या है, शेष फल, शेष फल कितना आया है हमारा 6 आया है, और ये क्या है हमारा भागफल है, ठीक है, ये हमारा आ गया है भागफल, ठीक। तो हमारा यहां पर हमसे पूछा गया था कि इसका शेषफल बताना है, तो शेषफल हमने बता दिया कितना आया 6, और भागफल हमारा आया है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस भाग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, यदि x बराबर 2 हो तो कोष्टक के अंदर 0.5 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो बहुत ही मामूली सा सवाल है, हमें क्या करना है, x बराबर हमें 2 दिया है तो डायरेक्ट हम इसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो यहां पर क्या है 0.5 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 2 है, ठीक। चलिए अब देखो यहां पर क्या है, माइनस 0.5 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं, तो 0.5 है तो देखिए पॉइंट का 1 और यहां पर कितना है 5 है, एक अंक है तो मतलब 10, तो यहां पर क्या आ गया 5/10, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1/2, और माइनस का यहां पर क्या है 1/2। अब देखिए यहां पर माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2, दोनों कट गया तो कितना बचा 0 बचा, और इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 0 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारे सामने है, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 हो तो हमें बताना है x माइनस 1 अपॉन x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हमें यहां पर दिया गया है x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2, ठीक है, हम क्या करेंगे इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो देखिए वर्ग करेंगे तो यहां पर भी वर्ग होगा और यहां पर भी वर्ग होगा, ठीक है। अब देखो ये यदि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही वाला फार्मूला लगेगा ना, तो यहां पर हम लगा देते हैं, तो भैया x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद में यहां पर प्लस का 2x इंटू 1 अपॉन x, और बराबर में देखिए 2 का भी स्क्वायर यानी कि 4, क्लियर। चलिए अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं, यहां पर हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए यहां से हमारा x से x कट जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 और बराबर में 4। ठीक है, अब फिर से देखिए यहां पर हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, 2 को उस तरफ भेज देते हैं तो बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा, यहां पर प्लस का है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेंगे, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं 2। ठीक है, तो इसको हम इतना ही हल करके यहां पर छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, क्लियर, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ी सी हल करने के लिए, तो इसको हम छोटा करके यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। चलिए अब आते हैं यहां पर, ठीक है, तो इसको एक लाइन खींचते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का, यही है, इसका हमें मान निकालना है, तो यदि हम क्या करें, इसका वर्ग करें, ठीक है, इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर आएगा हमारा, इसको यदि हम a मान लें और माइनस इसको b मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा फार्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद में माइनस 2 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, क्लियर, यही होगा। चलिए अब देखो यहां पर हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आया, अब हम क्या करेंगे, यहां से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लगेगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर यहां पर लग जाएगा रूट, क्योंकि यहां से हमने वर्ग हटाया है, इस तरफ रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, x स्क्वायर करेंगे x आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहां पर देखिए x से x कट गया और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए हमें क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहां पर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए x माइनस 1 अपॉन x बराबर ये हो गया हमारा रूट, और इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, और यहां पर माइनस का 2 है। ठीक है, तो 2 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो x माइनस 1 अपॉन x बराबर यहां पर तो बचा 0, तो इसका मान डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें यही बताना था कि x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर हमने बता दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ ही गया होगा, यहां पर मैंने आपके लिए 10 ही सवाल लिए थे और 10 सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बना दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उनको भी देखिए, और अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।